गाजा के राफा में तैनात रिटायर्ड भारतीय कर्नल वैभव अनिल काले की मौत हो गई है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ये पहला विदेशी यूएन कर्मी की मौत का मामला बताया जा रहा है। वैभव अनिल की मौत को लेकर यूएन के एक सीनियर ऑफिसर ने बड़ा बयान दिया। यूएन ऑफिसर ने कहा कि जो गोली भारतीय रिटायर्ड भारतीय कर्नल को लगी है उसको टैंक के जरिए फायर किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब देते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि जिस यूएन व्हीकल में कर्नल वैभव अनिल सवार थे उसको पीछे से निशाना बनाया गया है। व्हीकल में दो यूएन स्टाफ मेंबर सवार थे, अनिल और डीएसएस की एक महिला स्टाफ जिसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और हमें विश्वास है कि वो जल्द ठीक हो जाएंगी। जब यूएन अधिकारी फरहान हक से पूछा गया है कि जिससे गोली चलाई गई क्या ये टैंक इसराइल का था, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है क्योंकि रीजन में बस इसराइल के टैंक ही तैनात हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो इस मामले में इसराइल के साथ बातचीत कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बिना किसी को जिम्मेदार ठहराए इसराइल सेना ने कहा कि वाहन उस इलाके से गुजर रहा था जहां हमास और सेना के बीच लड़ाई जारी थी। इस इलाके को नॉन मूवमेंट जोन बताया जा रहा है, यानी यहां वाहन आने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इस पर भी अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है कि इसराइल को क्या यूएन के वाहन की जानकारी थी या नहीं। अनिल की मौत पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि 13 मई 2024 को गाजा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग यानी डीएसएस में सुरक्षा अधिकारी रिटायर्ड जनरल वैभव अनिल काले की मौत से हमें गहरा दुख हुआ है। हम उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। न्यूयॉर्क, तेल अवीव और रमहल्ला में हमारे मिशन शवों को भारत वापस लाने में सहायता कर रहे हैं और घटना की जांच के बारे में संबंधित अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं। हमले में शहीद होने वाले वैभव अनिल काले ने 2022 में सेना के समय से पहले सेना निवृत्त ले ली थी। वो 2 महीने पहले ही संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा विभाग डीएसएस में सुरक्षा समन्वयक के रूप में शामिल हुए थे।